जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। जो भी आ जाता है माँ के दर पर, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मेरी माँ माई इतनी दयालु, इतनी कृपालु है कि अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाती है। 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक शुभ नवरात्रे, चैत नवरात्रे चलेंगे। 22 से प्रारंभ होकर 30 तक पूरी सीरीज आपके पास आएगी, लेकिन आज मुख्य रूप से बात कर रही हूँ अखंड ज्योति या नॉर्मल ज्योति, जो आप प्रतिदिन जलाएंगे। अखंड जलाएंगे तो उस ज्योति के, उस दीपक के नीचे हम क्या चीज रखें, उस दीपक में हम क्या चीज डालें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और हम उस दीपक का ख्याल कैसे करें, यानी अखंड ज्योति का जलाने के कुछ नियम है, वो क्या नियम है, और उसके अलावा अगर अखंड ज्योति पूरे 9 दिन की ना जला पाए तो हम कितने दिन की जलाएं। समस्त जानकारी लेकर ज्योति से रिलेटेड आपके बीच में मैं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आज अखंड ज्योति की, जो कि माता महामाई के नवरात्रों में घट स्थापना की जाती है और साथ के साथ ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। अखंड ज्योति 9 दिन की जलाएं, या फिर आप 2 दिन की जलाएं, या आप 24 घंटे की जलाएं, जैसी भी आपकी कंडीशन है, जैसी भी आपको सुविधा वैसे जलाएं, लेकिन जब भी जलाएं पवित्र भाव से जलाएं, पूरी निष्ठा के साथ जलाएं, जिससे कि वो आपकी ज्योति अखंड रहे, खंडित ना हो। अखंड ज्योत का मतलब ये होता है कि जो ज्योत खंडित ना हो वो रहे। किस प्रकार संकल्प लेकर ज्योति को हम जलाएं, सबसे पहले बात मैं अखंड ज्योति की ही करूंगी, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि अखंड ज्योति नहीं जला पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। अखंड ज्योति कहा जाता है कि जब माता की ज्योति प्रज्वलित होती है तो उसका प्रकाश जैसे जैसे ऊपर को जाता है, जितना ऊंचाइयों को जाता है, कहा जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका मान सम्मान भी ऊंचाइयों को छूता है। तो ये ज्योति जो है प्रकाश जीवन में लाती है। महामाई के समक्ष जलाई गई ज्योति से आपका जीवन भी प्रकाशमान होता है। अखंड ज्योति अगर जला रहे हैं तो मैं आज पहले बताऊंगी, फिर दूसरी भी बात बताऊंगी। अखंड ज्योति जलाने से पूर्व आपके पास को बता दूं, आपके पास पीतल का दीपक होना चाहिए या फिर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक लें तो पहले दिन भिगोकर उसको खूब अच्छी तरह गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही उसमें आप ज्योति लगाएं। ज्योति किस चीज की लगाएं? ज्योति या तो कलावे की लगाएं या कच्चे सूत की लगाएं। उसके साथ साथ उसमें शुद्ध घी, आप गाय का हो नहीं तो दूसरा कोई शुद्ध घी हो, उसकी ज्योत लगानी चाहिए। 1% 1% अगर किसी के पास घी की व्यवस्था नहीं है लेकिन उसके भाव है, उसका मन है कि मैं अखंड ज्योति जलाऊं, तो वो तिल के तेल की ज्योत भी जला सकते हैं। ज्योत, कुछ प्रश्न पहले आते थे कि हमारी ज्योति जो है, जो बाती है वो छोटी पड़ जाती है, तो मैंने आपको एक वीडियो में अखंड ज्योति बनानी भी बताई है पूरी की पूरी। तो ये वाली जो आपकी फिंगर होती है, इस फिंगर से लेके कोहनी तक एक हाथ माना जाता है, एक हाथ यानी कि एक हाथ की बात, इस फिंगर से लेकर इस कोहनी तक, बस इतनी लंबी अगर आप बाती बनाएंगे आपके 9 दिन में बाती खत्म ही नहीं होगी, खत्म हो ही नहीं सकती। उस बाती को पहले मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद किया है सब वो वीडियो को सबने, तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी आप कच्चे सूत की बना रहे हो, कलावे की बना रहे हो, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना या पका हुआ भी दूध हो लेकिन हो साफ सुथरा, तो उस दूध को आप अच्छे से हाथों में लगाकर अच्छे से उसे दूध से, आप अच्छे से दूध से बनाइए, दूध लगा लगा के आप उसको बेड़िए, दूध लगा लगा कर आप उसको बनाइए और उसको ऐसे ही पंखे में, हवा में आप सुखा दीजिए। उसके बाद आप उस बत्ती को लगाइए, बत्ती एकदम टाइट रहेगी, बत्ती बीच में बुझेगी नहीं, बत्ती बीच में लुढ़केगी भी नहीं, इस तरह से आप बत्ती बना लीजिएगा। तो ये है आपको बत्ती बनाने बनाई, मैंने दीपक बताया, बत्ती बताई, घी बताया। अब जो हम अखंड ज्योति का दीपक बना रहे हैं तो उसके नीचे क्या रखें, कुमकुम से रंगे हुए चावल, कुमकुम यानी कि जो रोली जो आप अपने घर के मंदिर में यूज करते हैं, उससे चावल को रंग लीजिए, अक्षत को साबुत होने चाहिए, चावल को रंग लीजिए और वो बिछाकर उसका आसन आप अपने दीपक को दीजिए। घर में कभी धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, एक तो चावल और ऊपर से कुमकुम से रंगे हुए, मैं क्या बोलूं, ओए ओए, वो रखकर उसके ऊपर आप अपनी ज्योति रखेंगे। ज्योति जलाते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होता है, यूं तो आपको और भी कोई मंत्र हो तो बोलिए, लेकिन ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। आप सबको आ गया होगा आपसे आने, नहीं तो मैं बोल रही हूँ तो आपको पता भी हो गया होगा।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। ये है आपका अखंड ज्योति जलाने का सही तरीका जो मैंने आपको बताया है। ये ज्योति अगर आप घी की जला रहे हैं तो माता रानी के दाई ओर रखी जाएगी, ठीक है। ज्योति का मुख जो आपका दीपक है हमेशा उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कहा जाता है उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का वास होता है, उस दिशा को प्रकाशमान करेंगे। अगर उस दिशा की ओर आप दीपक लगाते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो आपको इस तरह से दीपक की दिशा भी बता दी और कहां आपको रखना ये भी बता दिया, कैसे रखना ये भी बता दिया। अब एक वस्तु क्या हमें दीपक में डालनी ये तो जरूर बताऊंगी। एक चुटकी पीली सरसों, पीली सरसों आती है बाजार में, आपने देखा होगा, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। पीली सरसों एक चुटकी अखंड ज्योति में पहले दिन डालेंगे, एक चुटकी, ठीक है। दूसरा दिन शुरू हुआ, फिर आपने जब अखंड ज्योति तो आपकी जली रही, आपने पाठ पूजा स्टार्ट की, तो एक चुटकी हर दिन की एक चुटकी उसमें पीली सरसों की आप डालेंगे। ये हो गया। अब अखंड ज्योति जलाने के नियम बता दूं, अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो ज्योति को खाली नहीं छोड़ा जाता, अकेले नहीं छोड़ा जाता। अब ये है कि आपको किसी काम से भी जाना पड़ सकता है तो आप ज्योति को उस हिसाब से उसमें घी रहना चाहिए, और बाती को जो एक चिमटी आती है जिसे हम प्लकर भी कहते हैं, आईब्रो वगैरह ठीक करते हैं, वो बहुत बेस्ट रहती है उस ज्योति को, ज्योति को ऊपर करने के लिए, जो उसकी बाती होती है उसको ऊपर करने के लिए। कभी भी ऊपर से मत पकड़िए, कभी भी ऊपर से मत पकड़िए। जैसे ये बाती है तो इसको यहां से बिल्कुल मत पकड़िए, ये लो जल रही है, ये बाती है ये लो जल रही है, तो आप इस लो के यहां से जहां वो उसमें से बाहर आ रही है यहां से पकड़कर धीरे से ज्योति को ऊपर करिए। यहां से ऐसे पकड़कर ज्योति को धीरे से उसमें उससे ऊपर करिए चिमटी से, कभी आपकी ज्योति नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी, ना आपकी ज्योत खंडित होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि नियम मैंने बता दिया कि इसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई घर में रहे तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि ज्योति की देखभाल करनी जरूरी होती है। जब भी आप ज्योति को देखें, उसकी बाती ठीक करें या उसमें घी डालें, तो हाथ मुंह धोकर सिर पे कपड़ा लेकर करें, आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर नहीं नहा पाए तो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़के अपने आप को पवित्र कर लें। इस तरह से आप ज्योति की देखभाल कर सकते हैं। अगर आपके जहां ज्योति लगाई है वहां पंखा चलता है तो कांच की चिमनी उसके ऊपर आप रख सकते हैं। अगर अखंड ज्योति किसी 1% किसी वजह से आपकी खंडित हो जाती है तो आपको क्या करना है कि एक छोटा दीपक उसी ज्योति में से लेकर थोड़ा सा घी लेकर जला देना है, ठीक है। फिर आप अपनी ज्योति को ठीक करिए, बाती को ठीक करिए, लेकिन जो तरीका मैंने बताया अगर उस तरीके से बाती बनाएंगे तो आपकी बाती कभी नहीं बैठेगी। जिस तरीके से मैंने बाती उठाने का तरीका बताया है इस तरह से यहां से, तो आपकी बाती कभी नहीं गिरेगी, अखंड ज्योति खंडित होगी ही नहीं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको छोटे छोटे से टिप्स दिए, इसी हिसाब से करिए, कभी नहीं होती है, होगी भी नहीं। तो इस तरह से आपको करना है। फिर भी एक छोटा दीपक आप जला लीजिए जब भी आप अपनी ज्योति को ठीक करें, कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं कोई असावधानी ना हो जाए और हमारी ज्योत खंडित ना हो जाए, वो दीपक आप जला के रखिए। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो क्या हमें दूसरा दीपक जलाना चाहिए। हाँ जी, सुबह और शाम की पूजा के लिए आप अपना छोटा दीपक जिससे आप पूजा करते हैं आरती करते हैं वो आप अवश्य जलाएंगे, अखंड ज्योति को उठाया नहीं जाता है। यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई, अखंड ज्योति को अकेला नहीं छोड़ेंगे ये भी बात क्लियर हो गई। बहुत लोग तो भूमि शयन कर लेते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते, तो रात में एक दो बार उठ के जरूर ज्योति को आप अपनी देखें कि आपकी ज्योति तो नहीं। एक या दो दिन में आपको पता हो जाता है कि आपका घी पूरा है सफिशियंट, और सोते से पहले आपने बाती ठीक कर दी तो वो रात में 4-5 घंटे नहीं बाती इधर उधर होती है, ये भी बात है। फिर भी आप देख लीजिएगा, आपको केयर रखनी चाहिए अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं। अखंड ज्योति अगर आपने जलाई है तो आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है, यानी कि सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। हाँ, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो क्या अखंड ज्योति जला सकते हैं? जी हाँ, अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। सुबह शाम का पाठ करिए और अखंड ज्योति जलाइए। 9 दिन की ना जला पाए, 2 दिन की जलाइए, यानी अष्टमी और नवमी, यानी कि सप्तमी वाले दिन अखंड ज्योति आप प्रज्वलित करिए और नौमी वाले दिन तक वो चलेगी। जब अखंड ज्योति नौमी के दिन भी शांत नहीं होती है, आप उसे शांत नहीं करेंगे, वो स्वतः जब तक शांत ना हो जाए तब तक वो दीपक एज इट इज रखा रहेगा। जब वो स्वतः शांत हो जाएगी तब आप उसके अंदर जो भी सामान है या थोड़ी सी बातें बच ही जाती है, घी पूरा खत्म हो जाता है लेकिन थोड़ी सी गोल गोल बाती नीचे बच ही जाती है, तब आप उसको दीपक को हटाएंगे, उससे पहले आप नहीं हटाएंगे। अब यहां पर मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आप अखंड ज्योति ना जलाएं तो क्या करें। तो प्रतिदिन का आप जो दीपक जलाते हैं उसके नीचे भी आप कुमकुम से रंगे हुए चावल रखिए,
क्योंकि ये देखिए महामाई के नवरात्र हैं, माता रानी के नवरात्र हैं, हम माता रानी को प्रसन्न करना है, हमें माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। हमें जो अखंड ज्योति में एक बात और बता दूं कि संकल्प लेना होता है कि आप 9 दिन तक आप भगवान का स्मरण करिए, माता रानी का आह्वान कीजिए, गणपति महाराज का आह्वान कीजिए, शिव जी भगवान का आह्वान कीजिए कि हम आइए अखंड ज्योति जला रहे हैं, हे माता रानी 9 दिन में ये अखंड ज्योति मेरी जलती रहे, इस पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जिस मनोकामना को लेकर आपने अखंड ज्योति आप जला रहे हैं, अपनी मनोकामना माता रानी के समक्ष उनके चरणों में रख दीजिएगा कि हे माता रानी ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो। कहा जाता है संकल्प लेकर जो अखंड ज्योति जलाते हैं 9 दिन के लिए, अपनी मनोकामना कहकर 9 दिन के अंदर उनकी मनोकामना भावगति अवश्य पूरी करती है। तो इस तरह से आपको संकल्प लेकर चलानी है। और जिस तरह का आसन देना बताया है वो बनाना है, जो बाती बताई है सब कुछ धीरे धीरे बताया है, बहुत धीरे भी नहीं बताया, बहुत लेंदी वीडियो जाती है, फिर आप निकाल कर देखोगे, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, हो सकता है टाइम पर आंसर ना मिले तो आपके लिए वीडियो व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को आराम से सुन लेना, सेव कर लेना, जब अखंड ज्योति जलाओ कोई चीज भूल ना जाए फिर से एक बार सुन लेना। अब प्रतिदिन की दीपक की बात हम कर रहे थे कि आपको प्रतिदिन का दीपक जलाना, तो प्रतिदिन के दीपक में भी नीचे कुमकुम वाले चावल का आसन दीजिएगा, एक चुटकी सरसों उसके अंदर भी पीली जरूर डालिएगा, फिर अपना पूजन करिए, आरती करिए, सब करिए। अब आप ये बोलेंगे कि सुबह भी वो दीपक जलाना है, शाम को भी वो दीपक जलाना है, दीपक में घी इतना रखिएगा कि कम से कम 2 घंटे जले। आप खाइए या नहीं खाइए दीपक, लेकिन माता रानी की ज्योत के दीपक में घी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका। फिर आपकी अगर उसमें थोड़ी सी बाती बच गई या आपकी उसमें सरसों बच गई तो हम उसका क्या करें, उसे किसी एक पात्र में एकत्रित करते रहिएगा। अगर प्रतिदिन का दीपक जला रहे तो उसे एकत्रित करते रहिएगा। जो आपने चावल और कुमकुम से रंगे चावल का आसन दिया है, सुबह आपने आसन दिया है, शाम को भी दिया, शाम को सुबह दोनों टाइम, तो एक दिन में वो काम करेगा। जो आपने आसन सुबह दिया है, शाम को भी दीपक आप उसके ऊपर रखिएगा, लेकिन अगले दिन जब आप अगले दिन प्रातःकाल यानी दूसरे नवरात्रे में जब आप पुनः दीपक को साफ करके जलाएंगे या दूसरा जलाएंगे, तो वो जो चावल का आपने आसन दिया वो चावल वहां से आप हटा लीजिएगा, ठीक है, और उन्हें पक्षियों को डाल दीजिएगा। फिर अगले दिन नया थोड़े से चावल कुमकुम से रंगे का आसन दीजिएगा। प्रतिदिन की अलग दीपक की बात बता रही हूँ, जो आपने अगर अखंड ज्योत नहीं जलाया, अखंड ज्योत के नीचे से कुछ नहीं हटाना, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं, प्रतिदिन का दीपक जला रहे हैं, तो आपको एक दिन जो आसन है वो सुबह और शाम तक रहेगा, अगले दिन उस आसन को हटा दीजिएगा, नया आसन दीजिएगा और वो पक्षियों को आप डाल दीजिएगा। और जो भी उसके अंदर दीपक के अंदर आपके कोई सामान बच जाता है उसको किसी पात्र में एकत्रित करते रहेगा। बाद में बताऊंगी उसका आपको क्या करना है 9 दिन के बाद। तो ये आपका अखंड ज्योति का भी मैंने बता दिया, और मैंने आपको प्रतिदिन के दीपक का भी बता दिया, संकल्प लेना बता दिया, मैंने मंत्र बता दिया आपको। कहा जाता है ये अखंड ज्योति या ज्योति माता की जो चलाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसके जीवन में कभी अंधियारा नहीं होता, उसके जीवन में आकस्मिक कष्ट नहीं आते, उसका मान सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए अखंड ज्योति और दीपक का महत्व है, या कि अखंड ज्योति जलाए या कि दीपक जलाए, जिस नियम से मैंने बताया उस नियम से जलाए। अगर आप अष्टमी नवमी पर भी नहीं जला पाते, यानी कि आपके तबीयत खराब हो, पीरियड हो गया, आपके सूतक है पातक है, तो आपकी ज्योति नहीं जलेगी, तो उस दौरान आप क्या करें कि थोड़ा सा घी, अगर आपको पहले पता है कि 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में मुझे डर है कि कहीं मेरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप पहले से पहले ही थोड़ा सा घी और थोड़ा सा क्या कहते हैं एक बाती बनाकर और घी ना मंदिर में रखवा दीजिएगा। पंडित जी से बोलिएगा, पंडित जी नवरात्रों में इस घी को ज्योति में यूज ले लीजिएगा। आप अगर किसी आपके अगर माता रानी ने दिन निकलवा दिए तो आप अपने घर में भी पूजा करते रहो और वहां भी पूजा होती रहेगी मंदिर में। और अगर किसी वजह से किसी कारण से आकस्मिक ऐसी बात हो गई कि आप नहीं कर पाए, तो आपकी तो ज्योति वहां माता के दरबार में लगी रही है। तो इसलिए इस कार्य को जरूर कर लीजिए। आकस्मिक तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी पूजा खंडित ना हो। महामाई के पावन नवरात्र है, इन नवरात्रों में हमसे कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए ये वाली सुविधाजनक कार्य भी आप अवश्य करके रखिएगा। तो मैंने आशा करती हूँ काफी कुछ आज की वीडियो में आपको ज्योति से संबंधित बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्या डालना है, किस पे रखना है, क्या नियम है, किस तरह से हमें उसका ध्यान रखना है। और अगर आपकी बार बार ज्योति बुझती है, मैं एक और वीडियो बहुत स्पेशल भी बनाने वाली हूँ कि ज्योति बुझने पर यह हमें क्या संकेत देती है। ज्योति बहुत अच्छी वीडियो है, निश्चित आपके लिए उपयोगी साबित होगी, लेकिन फिर भी बता दूं इस वीडियो में भी कि अगर ज्योति आपकी बार बार बुझती है तो वो शुभ संकेत नहीं है, किसी लापरवाही से बुझती है, उसे ठीक करिए। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं कि अपनी ज्योति को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।
अगर आप पूरे मन तन से सुरक्षित रख रहे हैं, उसके बाद भी आपकी ज्योति बार बार खंडित होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, यानी कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। फिर घर के मंदिर में जहां आप पूजा करते हैं, वहां पर थोड़ी सी काली सरसों, थोड़ी सी काली सरसों रखना शुरू करिए, और हर दिन उसको फिर बाहर करिए अपने घर से। अगर ऐसा कुछ है कि आपकी बहुत रख रखाव के बावजूद भी ज्योति खंडित होती है, आपका मन खराब हो जाता है, आपका मन वहम में पड़ जाता है, तो उसके लिए आप जरूर से जरूर ये काली सरसों थोड़ी थोड़ी रखिए मंदिर में, और उसके बाद घर से बाहर कर दीजिए, आपकी ज्योति रुकने लगेगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना चाहे महामारी का प्रसाद समझकर शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की लिखना बिल्कुल मत भूलिए, माता रानी आपकी मदद करें।